हाँ तो इस क्लास में अपन लोग समझेंगे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के अंतर्गत उसके टाइप क्या होते हैं उसके बारे में, और लास्ट में वर्ड प्रोसेसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनपुट आउटपुट डिवाइस से क्या मतलब है, इनपुट वो डिवाइसेस कहलाती हैं जिसके माध्यम से कोई भी चीज हम कंप्यूटर के अंदर डालते हैं। जैसे इनपुट कौन सी डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर के अंदर चीजें डालते हैं, तो इनपुट में देखिए क्या क्या आता है, कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है इसके माध्यम से हम डाटा अंदर डालते हैं कंप्यूटर के, है ना। और क्या होता है इनपुट डिवाइस, अंजलि बताओ, माउस, हाँ माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, सीपीयू, नहीं, ये सॉफ्टवेयर, सीपीयू हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट, ये बेसिक इनपुट डिवाइस है, इसके अलावा और भी इनपुट डिवाइस होती है, ठीक है। कैमरा, कैमरा भी एक इनपुट डिवाइस है भाई, फोटो उसके अंदर डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, ये टाइपिंग मशीन, हाँ स्कैनर भी, जी बिल्कुल, स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटिंग वाला प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइस होती हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्यादातर ये यूज होती हैं, ठीक है। आपने वो मॉल वगैरह में देखा होगा एक लाइट पेन टाइप का होता है, वो सामान पे ऐसे लाइट डालेंगे पूरी डिटेल कंप्यूटर पे आ जाती है उनकी, देखा होगा, तो वो भी एक इनपुट डिवाइस हो जाती है, ठीक है ना। लाइट पेन भी है, वो क्या बोलते हैं उसको, लाइट पेन बोल सकते हैं, लाइट पेन, हाँ, एक रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, वो डालते हैं उस पर रोशनी पड़ती है, उससे बिल निकलता है, हाँ, पूरा डेटा आप कंप्यूटर पे चला जाता है, उसके आधार पे बिल बन जाता है, किसी भी प्रोडक्ट की पूरी डिटेल आ जाती है उसमें, ठीक है। ये इनपुट डिवाइस हो गया, अब आउटपुट देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, ठीक है, लेकिन बेसिक ये ज्यादा यूज होती है। स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस लिखा हुआ है। आउटपुट डिवाइस क्या क्या होती है, सबसे पहली आउटपुट डिवाइस अपनी कहला जाती है स्क्रीन, जैसे ही अपन कोई चीज टैप करते हैं तो आउटपुट हमको दिखने लगता है स्क्रीन पे। और सीपीयू, सीपीयू नहीं आता, हार्डवेयर, आउटपुट में और क्या आता है, प्रिंटर, प्रिंटर आता है भाई, कोई भी चीज हमने टाइप की लेटर की है उसका आउटपुट निकाल दिया पेपर में छाप के दे दिया हमको, आउटपुट दिख रहा है, ठीक है। प्रिंटर, और क्या आउटपुट डिवाइस हो सकती है, प्लाटर, प्लाटर का नाम कभी सुना है आपने, कुछ विशेष, जैसे रेडियम जो नंबर प्लेट वगैरह छापते हैं वो अलग टाइप की मशीन रहती है, रेडियम काट के देता है पूरा नंबर, फिर गाड़ी में चिपका देते हैं तरह तरह के डिजाइन, तो वो प्लाटर की श्रेणी में आता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। अच्छा, और मतलब ये समझो कॉन्सेप्ट कुल मिला के आउटपुट का ये है कि जिसके माध्यम से हमें आउट हो रही है कोई चीज, हमें मिल रहा है परिणाम, वो आउटपुट डिवाइस में आती है, ठीक है। इसके अलावा और भी आउटपुट डिवाइस होती है, बुक में अपन पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सी डिवाइस दी हुई है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर क्या कहलाता है। कंप्यूटर की फील्ड में देखो कोई भी चीज जो जिसको हम छू सकते हैं जिसको, वो हार्डवेयर आता है, ठीक है ना। कठोर, देखो ये जो आपकी स्क्रीन जो होती है, हाँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर बता रहे हैं, ये इनपुट आउटपुट खत्म कर दिए, ठीक है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में पहले हार्डवेयर देख रहे हैं, हार्डवेयर क्या है, स्क्रीन एक हार्डवेयर है, सीपीयू बॉक्स ये भी एक हार्डवेयर है, यूपीएस, यूपीएस जो डब्बा होता है ना, वो भी एक हार्डवेयर है, माउस एक हार्डवेयर है, कीबोर्ड भी एक हार्डवेयर है भाई, जो प्लास्टिक का जितना भी सामान जिसको आप छू सकते हो, है ना, ये हार्डवेयर होता है, लेकिन इसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। ये जैसे बैलगाड़ी होती है ना, तो बैलगाड़ी अपनी हार्डवेयर हो गई, जो बैल हो गया उसको खींचते हैं वो सॉफ्टवेयर हो गए, उसके बगैर उसका कोई काम, मतलब दोनों एक दूसरे का पूरक है, एक दूसरे के बगैर किसी का कोई महत्व नहीं, ठीक है ना। तो ये हार्डवेयर तब तक काम नहीं कर सकता जब तक इसमें सॉफ्टवेयर ना डाला जाए, ठीक है। तो जो भी अपन को प्लास्टिक या लोहे का जो भी आइटम हमको दिख रहा है जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, वो हार्डवेयर कहलाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर को आप छू सकते हो क्या, नहीं छू सकते, देख सकते हो क्या, नहीं महसूस कर सकते हो कि हाँ कोई सॉफ्टवेयर है इसके पीछे जो काम कर रहा है, है ना। तो ये सॉफ्टवेयर ये क्लियर हो गए, ठीक है, हार्डवेयर क्लियर हो गए, सॉफ्टवेयर आ जाएगी, चिप में दिखती है। सॉफ्टवेयर में जैसे कि कौन कौन से एग्जांपल दे सकते हैं अपन, एमएस वर्ड,
सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी एक सॉफ्टवेयर है। हाँ, एमएस वर्ड के बाद एक्सेल भी एक सॉफ्टवेयर ही है, पावर पॉइंट भी एक सॉफ्टवेयर है। अब इन दोनों में अंतर है लेकिन थोड़ा सा, ये दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर है, ये दूसरे तरह का सॉफ्टवेयर है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है जो सिस्टम का खुद का होता है, सिस्टम को खुद चलाने के लिए। हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो वो सारी चीजें अपने आप करता है, वो कंप्यूटर का स्वयं का ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सॉफ्टवेयर वो करता है। ठीक है, तो हर एक डिवाइस को, हर एक हार्डवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। हमने माउस कनेक्ट किया तो माउस के लिए भी एक ड्राइवर होता है, ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर कहलाता है माउस का, तो माउस नहीं चलेगा उसके बगैर, उसको चलाने के लिए भी उसका माउस का सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो हर डिवाइस को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है। अब वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अलावा इसमें और भी होते हैं, फोटोशॉप भी होता है, ये किसी एक विशेष जरूरत को पूरा करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ये तुम्हारा ये है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेल, ठीक है, फोटोशॉप, जो किसी पर्सनल जरूरत को पूरा कर रहे हैं किसी एक व्यक्ति की। लेटर बनाना है, हाँ भाई हम इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में बनाएंगे। फोटो बनाना है, एडोब फोटोशॉप में हमने बना लिया। कुंडली किसी को बनाना है, कुंडली सॉफ्टवेयर में हमने बना लिया। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं जो किसी यूजर की पर्सनल जरूरत को पूरा करते हैं। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम में यूज किए जाते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम के कार्यों को पूरा करने के लिए, कंप्यूटर को चालू करने के लिए, यूजर और कंप्यूटर के बीच में, यूजर व कंप्यूटर के, कंप्यूटर के बीच में इंटरमीडिएशन या मध्यस्थ का कार्य करता है, दोनों के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम ये दोनों के बीच में वार्तालाप कराने का काम करता है। ठीक है, एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं ये भी सिस्टम के ही होते हैं, जैसे एंटीवायरस हो गया, मैंने शायद एक बार और आप लोगों को बताया था, है ना, तो यूटिलिटी छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, ये सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गई। अब आते हैं वर्ड प्रोसेसर पे, वर्ड प्रोसेसर क्या है, अंजलि जैसे पढ़ रही है तो उसके में वर्ड प्रोसेसर के बारे में होगा उसके सिलेबस में, है पढ़ा नहीं लेकिन होगा सिलेबस में। सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, तीन प्रकार, तीन होते हैं, तीन तरह, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी, सिस्टम यूटिलिटी, है ना। अब वर्ड प्रोसेसर देखते हैं, वर्ड प्रोसेसर में क्या चीजें होती हैं। वर्ड प्रोसेसर मतलब वर्ड जो अपन टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग से संबंधित जो भी काम करते हैं उससे संबंधित एडिटिंग इसमें कर सकते हैं, लेटर वगैरह बनाना, उसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करना, उसको अपने हिसाब से डिजाइन करना, ये सब वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम के अंतर्गत अपन ये कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे अपना नोटपैड आता है, वर्ड प्रोसेसर आता है, ये नोटपैड सबसे बेसिक है, फिर नोटपैड से थोड़ा एडवांस वर्डपैड आ गए, वर्डपैड से फिर एमएस वर्ड आ गए, ठीक है, फिर एक्सेल आ गए, फिर पावर पॉइंट आ गए, ये लिखा हुआ है एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एमएस वर्ड, ठीक है ना। तो इसके आगे एमएस वर्ड लगा लेना। एमएस मालूम क्यों लगाया जाता है आप लोगों को मालूम है, क्योंकि ये जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है ना, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डिजाइन किया, जो कि बिल गेट्स की कंपनी है, तो माइक्रोसॉफ्ट का शॉर्ट नेम एमएस वो इसके पहले लगा दिया गया है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ये इसलिए। तो ये वर्ड प्रोसेसर भी क्लियर हो गया। अब हम इसमें समझाएंगे आपको मदरबोर्ड के बारे में।